आकर के प्रणाम कर दिया। इसलिए जय सनातन रूप, श्री सनातन रूप उन दोनों की जय हो, जय हो। श्री प्रभु जानते हैं कि कलयुग के प्रभाव से वृंदावन के लिए वार्ता लुप्त हो जाएगी। उस वृंदावन के लिए वार्ता को पुनः स्थापित करने के लिए श्री प्रभु ने कृपामृत के द्वारा रूप और सनातन इन दोनों को अभिषिक्त किया और अभिषिक्त करके उनमें शक्ति स्थापित की, शक्ति संचार किया और उन शक्ति संचार करके श्री रूप सनातन के देह के द्वारा उनके माध्यम से, उनके माध्यम के द्वारा श्री प्रभु ने कृपा करके श्री महाप्रभु ने ही वो अनंत चरी भक्ति जीव मात्र को प्रदान की। श्री महाप्रभु के जितने भी भक्त उन समय में श्री रूप सनातन परम परम महाप्रभु के और महाप्रभु के निज भक्तों के परम कृपा पात्र होकर के विराजमान। यही रथ यात्रा के अवसर पर श्री रूप सनातन जिस समय जाते हैं, श्री महाप्रभु उस समय कह रहे हैं या आप श्री रूप उस समय कह रहे हैं कि हे भक्तगण, आप श्री रूप सनातन के ऊपर कृपा करो। स्वरूप दामोदर राय रामानंद सब भक्तगण वहां पर विराजमान है और श्री रूप सनातन एक एक के चरण ग्रहण करते हुए विराजमान हो रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे ऊपर कृपा करो, कृपा करो। और श्री महाप्रभु सबकी कृपा इनको प्राप्त करा रहे। तो महाप्रभु के जितने भी बड़े बड़े भक्तगण उन सबकी कृपा प्राप्त होकर के विराजमान और श्री रूप गोस्वामी जी ने उन महाप्रभु की लीलाओं का जो दर्शन किया और जो उन लीलाओं को बड़ों से सुना, उन सब को उन्होंने श्री चैतन्य अष्टक और प्रभुति में चैतन्य वंदना के जो अष्टक हैं उनमें उन लीलाओं का, विशेष रूप से द्वितीय चैतन्य अष्टक श्री रूप गोस्वामी जी का जो है उसमें सारी लीलाएं, प्राय मुख्य मुख्य जो लीलाएं हैं उनका उन्होंने उल्लेख किया और उनके ही सूत्र को लेकर के कविराज ने, कविराज श्री कृष्णदास कविराज ने फिर गंभीरा लीला में श्री महाप्रभु की उन लीलाओं का दर्शन किया। रथ यात्रा की लीला और जितनी भी लीलाएं हैं जिनका श्री रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया, जिनको सुना बड़ों से अपने पूर्व जो माने पूर्व सीनियर जो वैष्णव हैं उनके, महाप्रभु के नृत्य परकर, महाप्रभु के अवतार काल के जो नृत्य परकर हैं उन बड़े परकरों से जो सुना उसका ही श्री श्री रूप सनातन और विशेष रूप से श्री रूप गोस्वामी जी उनका द्वितीय चैतन्याष्टक में उन सारी लीलाओं का संकेत कर रहे हैं। यदि श्री रूप गोस्वामी जी ने वो महाप्रभु के चरित्रों का संकलन नहीं किया होता तो आज चैतन्य चरित्र जिस प्रकार से हमको उपलब्ध है वह उपलब्ध नहीं होता, वह इतिहास में कहीं खो जाता। बहुत बड़ा उपकार। एक तो कर्चा ग्रंथ स्वरूप दामोदर इत्यादि की और श्री रूप गोस्वामी जी ने जो स्तुति में जो ग्रंथ लिखे ये दोनों ग्रंथ ही श्री कविराज गोस्वामी के लिए विशेष रूप से उपजीव्य बन करके विराजमान हुए और इतिहास क्रम में यह देखा जाए तो यदि ये ग्रंथ दो विशेष रूप से कर्चा श्री चैतन्य भागवत श्री वृंदावन दास जी का, वृंदावन दास जी ने भी श्री रूप गोस्वामी जी का आश्रय ग्रहण किया, तो यदि ये मूल ग्रंथ उस समय जो श्री महाप्रभु के अवतार काल में जो लिखे गए या उनमें जो संकलन किया गया उनका आश्रय ग्रहण करके महाप्रभु के कुछ समय पश्चात ही श्री वृंदावन दास जी ने चैतन्य भागवत और उस चैतन्य भागवत में भी जो अंश विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किए जा सके क्योंकि श्री वृंदावन दास को श्री नित्यानंद प्रभु के प्रेमावेश में इतने पागल हो गए कि वे नित्यानंद चरित्र का गायन करने लगे और महाप्रभु की गंभीरा लीला कहीं छूट गई, कई बार प्रेम के आवेश में उलट पुलट करके पहले की लीला बाद में, बाद की लीला पीछे,
इनका वर्णन भी हो गया, तो उनको एक क्रमबद्ध करके रखने की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। और श्री कविराज गोस्वामी ने सभी वैष्णव आचार्यों की कृपा को प्राप्त करके उस लीला का गायन किया। तो जय सनातन रूप, श्री सनातन रूप उनकी जय हो, जय हो, जिन्होंने श्री चैतन्य चरित्र को भी सामने प्रकट किया और श्री चैतन्य के मनोभीष्ट को भी सामने प्रकट किया, जिन्होंने संप्रदाय के संगठन को भी प्रकट किया। तो तीनों दृष्टियों से श्री चैतन्य के मनोभीष्ट भजन पद्धति का दान, श्री चैतन्य लीला का संकलन और चैतन्य लीला के संकलन के साथ साथ संप्रदाय का संगठन और विशेष रूप से श्री रूप गोस्वामी जी के द्वारा जो मंदिर संस्कृति वृंदावन की जो स्थापित की गई, सबसे पहले गोविंद मंदिर और श्री राधा रानी की श्री गोविंद श्री विग्रह के साथ में पूजन पद्धति, ये सब जो प्रकट की गई, अनेक अनेक श्री रूप सनातन की महिमा वो विराजमान, जहां श्री रूप सनातन अपूर्व सबके कृपा पात्र होकर के विराजमान, उनकी दशा ये कि जहां किसी भी देश में जाए वहां पर वृंदावन का दर्शन करें, यदि कोई महाप्रभु का कितना प्रेम कि यदि कोई वृंदावन से आए किसी देश से, सबसे पहले महाप्रभु उससे ये पूछे कि रूप सनातन कैसे है, रूप सनातन कहां रह रहे हैं, उनका कैसा वैराग्य है, वे क्या भोजन कर रहे हैं, उनकी अष्टप्रहर कृष्ण भजन की पद्धति क्या है, कितनी चिंता महाप्रभु। यदि वृंदावन से कोई जाए, कोई तीर्थ यात्री कहीं जाए तो पूछ रहे हैं अच्छा रूप सनातन से मिले क्या, कैसे हैं वे, महाप्रभु इतनी चिंता करते हुए विराजमान। श्री रूप सनातन का क्या कहना, विप्र ग्रहे स्थूल भिक्षा कहा मधुपरी, शुष्क रोटी चना चबाए भोग और कि किसी ब्राह्मण के यहां पर कभी कभी स्थूल भिक्षा अन्यथा मधुपरी, शुष्क रोटी उनको चला करके, चना को चला करके रह जाएं, सारे भोग का परवाह क्या करें, बस करुणा मात्र हाथे कांता छाड़ी बहिर्वास, हाथ में बस एक ब्रजरज का करुआ उसको लेकर के विराजमान, कंधा एक बहिर्वास, इसके अलावा और कुछ वस्तु नहीं, कृष्ण कथा कृष्ण नाम संकीर्तन का परम परम उल्लास विराजमान, अष्टप्रहर कृष्ण भजन, केवल चार दंड शयन, ढाई घंटे दो घंटे सो लिए, ढाई घंटे तीन घंटे बस, ढाई से तीन घंटे के बस में, तो चार दंड शयन, नाम संकीर्तन से हो करे कोनो दिन, वो भी कभी संकीर्तन करते हुए कभी सो कभी न भी सो, भक्ति रस शास्त्र का लेखन कर रहे हैं, सर्वत्र सर्वत्र चैतन्य कथा चैतन्य चिंतन करते हुए विराजमान। तो जय रूप सनातन, वे रूप सनातन उनकी जय, सो जय सनातन रूप प्रेम भक्ति रस कूप, श्री रूप सनातन प्रेम भक्ति के रस के कूप है, क्योंकि समुद्र क्यों नहीं कहा, समुद्र में खारी जल है पर कुआ मीठा है, समुद्र का भी मीठा नहीं होता है पर कुआ प्राय मीठे होते हैं, कभी कभी खारी होते हैं। फिर समुद्र या नदी, इनमें और नदी नाले भी आकर के मिल जाते हैं, ऐसे ही कहीं जो अन्य भक्ति है उस अन्य भक्ति में मर्यादा योग ज्ञान इनका भी प्रभाव मिल जाएगा, समुद्र में सब चीज मिल जाती है परंतु कुएं में कोई चीज नहीं डाली जाती है। कुएं की रीत तो ये कि स्नान भी करना हो तो ये ध्यान रखा है, बड़े लोग देखते हैं तो आए कुएं में पानी छीटे छीटा जाएंगे बिल्कुल वापस नहीं जाए, चल अलग अलग ना, अपना जो
भरा हुआ जल है उसके छींटे भी कुएं में नहीं जाए, इतना भी विचार रखा गया कि तो कुआं का जो जल है वो शुद्ध है, वो ठीक नीचे से आ रहा है, उसमें मिश्रण नहीं है, वह निर्मल होकर के अमिश्रित होकर के विराजमान, इसलिए अन्याभिलाषता शून्य भक्ति श्री रूप सनातन ने कृपा करके प्रदान किए, इसलिए प्रेम भक्ति रस कूप, कूप कहना ज्यादा श्रेष्ठ है, वो प्रेम भक्ति रस के कूप होकर के विराजमान। प्रेम भक्ति रस के कूप होने पर तात्पर्य है कि ये प्रेम भक्ति श्री रूप मंजरी लवंग मंजरी स्वरूप साक्षात रूप से विराजमान है, और श्री प्रिय पार्षद होकर के साधक भक्त की तरह से, या है तो नित्य पार्षद परंतु साधक भक्ति की तरह से ये आस्वादन कर रहे हैं। इनमें कहीं किसी प्रकार का मिश्रण नहीं है, नद नदी पुष्करणी में कहीं जल न्यून हो जाए परंतु कुआ उसमें परम शीतलता निरंतर निरंतर बनी रहे, सुपेयता निरंतर बनी रहे, वो शोक दुख ज्वाला इन सबों को दूर करने वाली होकर के विराजमान है। इसलिए कृष्ण माधुर्यामृत के पान को प्रदान करने के कारण श्री रूप सनातन इनको कृष्ण भक्ति का कूप कहा गया, प्रेम भक्ति का कूप कहा गया। युगल उज्ज्वलमय तन जिनके श्रीअंग युगल उज्ज्वलमय होकर के विराजमान, अर्थात श्री राधा माधव के उज्ज्वल रस से ही जिनका श्रीअंग अपूर्व से गठित होकर के विराजमान, प्रेममय चिन्मय जिनका स्वरूप विराजमान है, युगल प्रेम में स्वरूप, अनेक अनेक भक्त रत्नाकर इत्यादि में वर्णन किए गए कि कभी कोई सूखा पत्ता आया और सिर पे गड़ा और चल गया, रूप गोस्वामी जी सब लोग कृष्ण कथा श्रवण करते हुए रो रहे, रूप गोस्वामी जी बैठे हैं और आंसू नहीं है, तो किसी के मन में विचार आया कि अरे इनको क्या भाव की प्राप्ति नहीं हो रही है, क्या कोई सात्विक उदय नहीं हो रहे हैं, और इतने में कोई पत्ता आया सिर पे गिरा और वो चल गया, तब पता लगा ओहो इनमें इतना भाव ताप विराजमान था। ऐसे बहुत सारे चरित्र श्री भक्ति रत्नाकर प्रकृति में वर्णन किए, तो वे उज्ज्वल युगल उज्ज्वल मय तनु, युगल उज्ज्वल मय तनु होकर के ही वे विराजमान है, उज्ज्वल स्वरूप होकर के विराजमान। उज्ज्वल में कहने का तात्पर्य है कि जिनमें प्रेम उन सबों की पराकाष्ठा विराजमान, जैसे पृथ्वी पर आते आते आकाश के गुण शब्द जब आकाश से वायु उत्पन्न हुई तो वायु में दो गुण आ गए शब्द स्पर्श, जब वायु से तेज उत्पन्न हुआ तो उसमें तीन गुण आ गए शब्द स्पर्श रूप, जब तेज से जल उत्पन्न हुआ तो उसमें चार गुण आ गए शब्द स्पर्श रूप रस, और जब पृथ्वी आई तो पृथ्वी में पांचों गुण आ गए, आकाश का शब्द गुण भी है, वायु का स्पर्श गुण भी है, अग्नि का रूप गुण भी है, जल का रस गुण भी है, और गंध गुण भी अपना विराजमान है। ऐसे ही श्री भगवत भक्ति उसमें स्वादाधिक्य मधुर भक्ति में ही सर्वाधिक श्रेष्ठ स्वाद की अधिकता है, अतः युगल उज्ज्वलमय तनु परम उज्ज्वल स्वरूप होकर के श्री विराजमान है। उस युगल उज्ज्वलमय तनु माने श्री मधुर श्रृंगार रसमय स्वरूप होकर के वे विराजमान है, महारस सेवा उनका सौभाग्य जिनमें विराजमान है। और श्री किशोरी जी श्री रूप सनातन को अपना स्वरूप ही समझती है, जितने भी किंकरी हैं उन किंकरियों को भी श्री किशोरी जी अपना स्वरूप समझे, ऐसे श्री युगल उज्ज्वल तन जैसे श्री किशोरी जी आप महाभाव स्वरूप में हैं, ऐसे श्री रूप लवण मंजरी भी महाभाव स्वरूप होकर के ही विराजमान है,
और उनके ही स्वरूप होकर के युगल उज्जवल मय होकर के, मय का तात्पर्य है स्वरूप और आदित्य। मय प्रत्यय विकार के अर्थ में नहीं है, मय प्रत्यय प्राचुर्य अर्थ में और स्वरूप अर्थ में है। तो वो श्री प्रिया जी के ही मानो स्वरूप होकर के ये विराजमान है, उनके प्रेम का ही विस्तार करने वाले हैं। उन श्री रूप सनातन की यदि कृपा प्राप्त हो तो जहां प्रसादे लोक पसारिलो सब शोक, उनकी कृपा प्राप्त करके ही जितने भी शोक हैं वे सब दूर हो जाएंगे। प्रकट कल्प तन जन, वे कल्प वृक्ष के समान विराजमान हैं, प्रकट कल्प तरु होकर के वे विराजमान हैं। और जैसे कल्प तरु के पास में जाकर के जितनी भी अभिलाषाएं हैं वे पूर्ण हो जाएं, ऐसे श्री रूप सनातन के द्वारा सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाएं। कल्प वृक्ष ये एक ऐसा कल्प वृक्ष है जो कि हितकर जो वस्तु है उसको ही प्रदान करेगा, जो अहितकर वस्तु है उसको प्रदान नहीं करेगा। प्राकृत कल्प तरु की एक विशेषता है कि उसके पास में जैसा मांगोगे वैसा दे देगा, परंतु ये रूप सनातन वो कल्प तरु है जिनसे यदि कोई अनिष्टकर वस्तु को मांगे तो प्रदान नहीं करेगा, पर इष्टकर वस्तु को प्रदान मांगे तो वो प्रदान कर देगा। किसी को शंख मिला दिव्य, अब वो शंख जो मांगे वो प्रदान कर दे। अब उस दुष्ट ने मांगा कि माने मेरे घर हो जाए, शंख की विशेषता ये कि जितना देगा परोपकारी शंख है पड़ोसी को दुगना देगा, तो इसके हुआ एक घर, पड़ोसी के हो गए दो घर। ये तो और चिंतित हो गया, बोल माने मेरे एक लड़का हो गया पड़ोसी के हो गए दो लड़के, चिंतित हो रहा कि उसकी तो उन्नति बढ़ती जा रही है ईर्ष्या के कारण। ये मांग रहा था, इसने मांगा हे शंख देवता मेरी एक आंख फूट जाए, ये ऐसा शंख नहीं है, ये ऐसा कल्पतरु नहीं है जो किसी दूसरे का नुकसान करे। ये वो कल्पतरु है जो कि सर्वदा हित करने वाला होकर के ही विराजमान, ऐसे श्री रूप सनातन अपूर्व कल्पतरु होकर के भक्ति रूपी परम फल को प्रदान करने वाले होकर के विराजमान। ऋषि चरणादि उनकी जय हो जय हो, वे ही सर्वोत्तम रूप में विराजमान। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय राधा रमण हरि गौर हरि। कल के लिए विषय को पूछना नहीं तब तो रथ यात्रा के ऊपर में कुछ विशेष करके बोलना है आपको। अच्छा ठीक है,